अभी इस तरह से सर्च करके हमारे चैनल माय एक्टिव सपोर्ट को आप सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं इस बटन पर क्लिक करके। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर एपिसोड विथ न्यू पावरफुल टॉपिक, हाउ टू चेंज टैग फोटो ऑफ एनी MP3 म्यूजिक। सो फ्रेंड्स, मैंने बहुत लोगों को ये कहते सुना है कि भाई साहब, अपने अपने इस गाने में कैसे अपनी फ़ोटो लगाई, इस गाने में अपनी फ़ोटो कैसे लगाइए, कैसे किया आपने, मुझे भी बताइए, क्या ये लैपटॉप से हो सकता है, क्या ये मोबाइल से भी हो सकता है। मैं बोला जी हाँ, ये मोबाइल से भी हो सकता है और एंड्रॉयड फ़ोन से आराम से हो सकता है। मैं आपको बताऊँगा ऐसा तरीका जिसके ज़रिए आप अपने किसी भी गाने का टैग फोटो, जो उसके साथ फ़ोटो रहता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, वो भी एकदम इजी मेथड से। और इससे आप अगर खुद गाना बनाते हैं तो आप अपनी पहचान डाल सकते हैं उस गाने में इस तरीके से। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा एक आसान तरीका जिसके जरिए आप अपने किसी भी गाने में अपनी फ़ोटो डाल सकते हैं, अपने ही नहीं किसी के भी गाने में अपनी फ़ोटो डाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं आपको दिखाने कि कैसे ये किया जाता है। मैं सबसे पहले बताने से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले कि आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिएगा, अगर आप लैपटॉप में देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखिएगा बटन होगा नीचे प्लीज़ सब्सक्राइब, या फिर अगर आप मोबाइल या अदर सिमिलर डिवाइस में देख रहे हैं तो नीचे यहाँ पे देखिएगा सब्सक्राइब रेड कलर का होगा, उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की जानकारी आपसे कभी ना छूटे और मैं अगला वीडियो बना सकूं और आपको दिखा सकूं। तो मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं देखने स्क्रीनशॉट वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर खोला, फिर उसके बाद आई टैग एडिटर मैं सर्च करूंगा यहाँ पे। थोड़ा नेट स्लो है, प्रॉब्लम है। आई टैग एडिटर, टैग एडिटर मैं सर्च किया है, इसको मैंने सुधार देता हूँ, आई टैग एडिटर बना देता हूँ। आई टैग एडिटर हो गया, देखते हैं इंस्टॉल है। देखिए मेरे में आई टैग एडिटर पहले से ये है ऐप, आप देख सकते हैं का स्क्रीन शॉट्स ऐप का, और इसमें मैं इसके बारे में तो ज़्यादा बता नहीं सकता क्योंकि इसका जो साइज़ होता है अलग अलग डिवाइस में अलग अलग होता है। चलते हैं इस ऐप को यूज करने, तो हम जाते हैं इस ऐप में। फिर देखिए, मैंने पहले से कोई गाना चूज़ किया है, इसको मैं कैंसिल करके आपको गाना, दूसरा गाना चूज़ करके दिखाता हूँ। मैंने कोई गाना चूज़ किया, ये देखिए मैं गाना चूज़ किया, इसमें कवर नहीं है, क्लियर कवर दबा के पिक कवर करता हूँ मैं। उसके बाद गैलरी खुल जाती है हमारी, फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स खुलने के बाद उसमें से जो फ़ोटो हमें टैग चूज़ करना होता है उसे हम चूज़ कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको चूज़ किया, चूज़ हो गया, और हम अगर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें, देखिए जैसे अपना नाम लिखना चाहें गाने में तो लिख देते हैं, नवदीप शुक्ला मेरा नाम है जो कि, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, रिंग टोन में कर, तो चैनल का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर माई एक्टिव सपोर्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, इसी तरह की और जहाँ। और ये हो गया सेव्ड म्यूजिक टैग सेव्ड। अब मैं जा रहा हूँ म्यूजिक प्लेयर में आपको दिखाने की कैसे चल रहा है गाना। देखिए मैं म्यूजिक प्लेयर चला गया और यहाँ पे मैं उस गाने को खोज रहा हूँ जो मुझे चूज किया था, ये देखिए मिल गया। देखिए फोटो लगी हुई है गाने पे, मेरे माइक टी सपोर्ट लिखा हुआ, गाने पे मेरा नाम लिखा हुआ है। इस तरह से आप गाने का टैग एडिट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।